अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स इन स्क्रैच की, कि स्क्रैच में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं और उनका फ़र्क हमें कहाँ कहाँ दिखता है और कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास स्क्रैच में एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल है, जो कि हमारा एक बैकग्राउंड स्टेज है, स्टेज का बैकग्राउंड है बेसिकली। तो हम अगर सबसे पहले अपना स्टेज का एक बैकग्राउंड सेट कर लें, चूज़ बैकअप फ्रॉम लाइब्रेरी में से, या चूज़ बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी, सॉरी। सो अगर आप इसके ऑप्शन में जाते हैं अपना बैकड्रॉप चेंज करने के लिए, या अपने स्टेज पे कैट की वाइड स्क्रीन को चेंज करने के लिए, तो जब आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक एक्स वाई ग्रिड का ऑप्शन होता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें तो ये यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो दैट मीन्स कि हमने जो भी बैकड्रॉप सेलेक्ट किया वो हमारी बैक स्क्रीन पे आ गया। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि हमारे पास इस ऑप्शन में यहाँ पे बैकड्रॉप में हम यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास आपको दिख रहा होगा स्क्रैच में कि हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए कोऑर्डिनेट्स के दो हिस्से होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो इसमें एक्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और वाई कंपोनेंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसमें वाई की वैल्यूज डिफाइन हुई हुई हैं। सो होता है क्या है कि कोई भी स्क्रीन पे जब भी कोई पॉइंट सेट होता है, कोई भी एक्सिस का लाइन सेट होती है, तो इसके कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं, कोई ना कोई वर्टिसेस होते हैं। उन वर्टिसेस को एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, उन वर्टिसेस को एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जस्ट गिव मी टू सेकेंड्स, हम अगर यहाँ से इसको ओपन करते हैं, राइट। सो अगर आपके ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली यहाँ ये जो एक्स और वाई की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स, ये बेसिकली आपके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। सो अब होता क्या है कि जब भी कैट कोई मूवमेंट करती है तो वो इन नंबर्स की रिस्पेक्टिवली कर रही होती है। कैट की जो स्क्रीन है, जो भी हमारी आउटपुट स्क्रीन है, वो एक फिक्स वैल्यूज़ पे है। एक्स वैल्यूज़ हमारे पास फिक्स हैं, उसकी रेंज फिक्स है कि वो -240 से +240 तक जा सकती हैं, ये एक्स की रेंज है। और वाई की रेंज है कि वो -180 से +180 तक जा सकती है। अब x और y के बीच का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको कहते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन x और y का सबसे सेंटर पॉइंट होता है, जहां पे x की वैल्यूज भी जीरो हो जाती हैं और y की वैल्यूज भी जीरो हो जाती हैं, राइट। तो आपकी कैट जब स्क्रैच का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, तो वो एक ओरिजिन पे होता है, वो एक 0-0 की पोजिशन पे होता है, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, हमेशा एक्स पॉजिटिव की तरफ होती है। और ये बात कैसे पहचानी जाए कि भाई जो भी कैट है उसका फेस जिस डायरेक्शन की तरफ होगा वही उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होगी, कि कैट सबसे पहले वहाँ मूव करेगी। तो जब भी आप मूव की कमांड में कोई नंबर लिखते हैं तो वो नंबर हमेशा एक्स माना जाता है, बिकॉज कैट की इनिशियल या स्टार्टिंग डायरेक्शन जो होती है वो एक्स एक्सिस की तरफ होती है। सो हमारे पास जब भी ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ होते हैं तो हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कहलाता है। और टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, फोर क्वाड्रेंट में ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे सारी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होता है। मतलब कि आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो
जब भी कहीं भी प्रोग्राम से जब भी कोई भी वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पॉजिटिव दिया जाएगा, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। इसी तरीके से जो सेकंड फर्स्ट के बिल्कुल बराबर वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होती हैं और वाई की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होती हैं। और इसी तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं लेकिन वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, राइट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि अगर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई का, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई का जिसका नंबर है 4,2, तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको पता है कि एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ जब होती हैं तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, तो दैट मीन्स कि इसका जवाब हुआ कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से अगर पॉइंट आ गया कि -3,2 कहाँ पर लाई करेगा, तो आपको कैसे पहचानना है कि पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। जहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में ये वाला नंबर वैक्यू पॉइंट लाई करेगा। तो ये वाला नंबर आपने देखा कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका जवाब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब कैट अपनी इनिशियल पोजीशन को जहाँ से वो स्टार्ट होती है वो सिर्फ उस वक्त सेंटर पे होती है, लेकिन जब भी आप कोई मूवमेंट कराते हैं उसको, तो उसको मूवमेंट कराने के बाद होता क्या है कि आपकी कैट की मूवमेंट अपनी अगली पोजीशन के मुताबिक डिसाइड करती है कि उसको किधर जाना है। तो जैसे कि हम एक प्रोग्राम अगर यहाँ पे बनाएं कि हमारे पास जो प्रोग्राम है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, सॉरी हमने इसको ऐड कर दिया, नो हमने अब एक स्क्रिप्ट लिखी, लेट्स से कि स्क्रिप्ट है मोशन की, सॉरी सबसे पहले हमें इसको बैकड्रॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड लेट्स से हमने इसको कर दिया, दिस वन इज सेलेक्टेड, और हमने इसको कर दिया डन, हमने इसको लेट्स से हटा दिया, और ये हमारा बैकड्रॉप है। स्टेज इज नॉट सेलेक्टेड, स्टेज इज ओ सॉरी स्क्रिप्ट इज नॉट सेलेक्टेड, ओके सो स्क्रिप्ट इज नॉट सेलेक्टेड, हम यहाँ पे आ गए। हमने एक दफ़ा दोबारा अपना कोऑर्डिनेट वाला बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया, ओके, और अब हम स्क्रिप्ट पे आ गए और स्क्रिप्ट की पोजीशंस पे आ गए, ओके, राइट। सो अब लेट्स से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स पे इस्तेमाल करने वाले मोशन के ब्लॉक्स हैं उसमें पॉइंट इन डायरेक्शन, गो टू, ग्लाइड, चेंज एक्स बाय, सेट एक्स टू, चेंज वाई बाय, सेट वाई बाय, सेट वाई टू, एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन, इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं और कुछ डायरेक्शंस भी हैं। तो लेट से कि अगर मैं कहता हूँ कि ग्लाइड करो 2 सेकंड तक, और अब यहाँ पे लेट से कि वो एक्स और वाई के पॉइंट मांग रहा है कि किस पॉइंट तक ग्लाइड करूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि एक्स 20 चले जाओ और वाई 50 चले जाओ, तो जब ये प्रोग्राम रन होगा या ये ब्लॉक रन होगा तो आप देखेंगे कि कैट अपनी इनिशियल पोजिशन 0,0 से x20y50 पे चली जाएगी। तो इसको डबल क्लिक करके देखते हैं, तो आपने देखा कि वो किस तरीके से उस पॉइंट पे पहुंच रही है जहां पे उसको जाना है। अभी ये कुछ फॉर श्योर ड्रॉ नहीं करी बिकॉज हमने पेन डाउन नहीं किया, तो हम एक काम करते हैं इसका बिहेवियर देखने के लिए हम एक पेन डाउन भी कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं कि x100 और y100 चले जाओ, राइट? तो जब हम इसको प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 सेकंड्स के अंदर अंदर अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ भी ये खड़ा होगा वहाँ से x100 और y100 पे चला जाएगा। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से तुम जाओ -100 और y100 पे, तो लेट्स से कि क्या कहाँ जाता है, तो आपने देखा कि क्योंकि हमने y की पोजीशन चेंज नहीं करी थी, y100 ही था, इसलिए उसने सिर्फ x की वैल्यू में चेंज लेके आया। तो इस तरीके से हम एक स्क्वायर भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं कि अब एक्स माइनस 100 ही रहो और वाई माइनस 100 हो जाओ। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल नीचे चला गया। इसी तरीके से जब एक्स पॉजिटिव 100 हो जाए और वाई नेगेटिव 100 हो जाए तो ये इस तरफ चलने लग जाएगा।
इसी तरीके से आप दोबारा x 100 और y पॉजिटिव 100 हो जाएंगे, तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ ग्लाइड को इस्तेमाल करके भी एक स्क्वायर की शेप बनाई है, राइट। तो ग्लाइड का जो ब्लॉक है वो बेसिकली काम करता है x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट पे, x और y में जो भी पॉइंट दिए जाएंगे वो वहाँ पे ले जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जिसमें एक और पॉइंट्स हैं जिसमें आप गो टू का इस्तेमाल करते हैं, गो टू x एंड y। ग्लाइड से क्या होता है कि वो आपको अपने इनिशियल पॉइंट से स्लोली जाता हुआ दिखाता है कि मैं इनिशियल पॉइंट से उस तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि गो टू एक्स वाई, तो गो टू एक्स वाई पे आप जो भी पॉइंट देते हैं वो उस पॉइंट पे एक सेकंड से भी कम, लेट से जैसे प्रोग्राम रन हुआ वो फौरन उस पॉइंट से स्टार्ट कर देगा। तो लेट से मैंने कह दिया कि एक्स 100 और एक्स 50 और वाई 100 पे चले जाते, जब मैं इसको पेन डाउन करके बोलूँगा तो आप देखें ये फौरन वहाँ चला गया और अपने इनिशियल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हुआ चला गया। लेकिन अगर मैं पेन डाउन भी हटा दूं और सिर्फ गो टू एक्स वाई करूं तो ये तब भी ड्रॉ करता हुआ जाता है। दैट मीन्स कि जो गो टू एक्स वाई वाली कमांड है, अगर आप उसको बगैर पेन डाउन इस्तेमाल किए हुए रन करते हैं तो हमेशा लाइन ड्रॉ करता हुआ जाता है, वो उस पॉइंट पे हमेशा लाइन ड्रॉ करके पहुंचता है जबकि आपका पेन डाउन नहीं हुआ हुआ। तो ये मोशंस की कुछ कमांड्स हैं जिसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को जिस तरीके से स्क्रिप्ट इस ब्लॉक के पीछे लिखी गई है, जिसमें इस ब्लॉक को यूज़ करते हुए वो डायरेक्टली आपका उस पॉइंट पे पहुंच जाता है कुछ भी ड्रॉ करते हुए। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स, और आई होप कि इन दो ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट शेप्स बनाएंगे विदाउट यूजिंग डायरेक्शंस।